अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफीनाज लिविंग की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज जो मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ उसका नाम है मटन पुलाव। उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू ऑल। सो आज की रेसिपी मटन पुलाव बहुत सादा रेसिपी है और मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ अपनी सास की, अम्मी जी की रेसिपी को। बिकॉज रेसिपीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन वो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत यूनिक तरीके से बनाती हैं। सो मैं आज उन्हीं की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ और ये मेरी व्यूवर्स की फरमाइश पर भी कर रही हूँ। उन्होंने कमेंट में मुझे फरमाइश करी। सबीन, ये आपकी फरमाइश के लिए भी है जो आपने मेंशन किया था। सो चलें फिर बगैर किसी तवक्कुफ के हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास मटन है, लैम नहीं है, ये मटन है गोट। सो ये आप तकरीबन 1.25 किलो गोश्त ले लीजिएगा और इसके साथ जो ये यखनी में जो चीज़ें जाती हैं मैं पहले आपको बता दूं। वैसे ये लहसुन अदरक 4 लहसुन के जगह हैं और एक छोटा पीस अदरक का मैंने चॉप करके रखा था और ये लहसुन अदरक जो साबुत है ये उसमें जाएगा, यखनी में जाएगा, ठीक है ना। फिर ये है एक टमाटर बड़े साइज़ का। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर हो तो आप एक ले लीजिएगा, छोटे हो तो आप 2 काट लीजिएगा और इसकी आप स्किन पील ऑफ कर दीजिएगा। ये एक प्याज है थिन स्लाइस, ये हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें जो हैं ये बाद में यखनी में नहीं डलेंगी, ये बाद में डलेंगी, टमाटर भी बाद में डलेंगे, लेकिन मैं आपको टोटल इंग्रेडिएंट बता रही हूँ अभी। सो ये गरम मसाले हैं, ठीक है, सारे गरम मसाले जो कि मोर और लेस सबको पता होते हैं जो आप अपने खाने में यूज़ करती हैं, उसको आप थोड़ा डबल ले लीजिएगा। जैसे 6-7 पीसेस आप हरी इलायची के ले लें, सिनेमन के 4 पीसेस ले लें और एक चम्मच चाय का, या आप समझ लें 20-25 आप ले लें काली मिर्च, और ये बड़ी इलायची है ये 4-5 ले लें, और ये लौंग है, लौंग भी आप जैसे 10-15 ले लें, और साथ में ये मुझे फ्रेश तेज़पत्ता मिल गए थे बे लीव्स, तो ये हैं तकरीबन 6-7, ठीक है ना। और ये एक खाने का चम्मच भर के क्यूमिन सीड्स हैं, सफ़ेद ज़ीरा, ये साबुत ले लीजिएगा। ये भी आधा यखनी में जाएगा और बाकी जो है वो उसमें जाएगा, पकते हुए जाएगा, ठीक है ना। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये तकरीबन आप आधी चाय की चम्मच ले लीजिएगा। एक खाने का चम्मच भर के नमक, नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से तय कर लें। और ये है एक खाने का चम्मच भर के काली मिर्च पिसी हुई, और ये आप आधी यखनी में जाएगी और बाकी की ये जो बाद में पुलाव तैयार होगा इसमें जाएगी। और ये गरम मसाला पाउडर है ऑल स्पाइस पाउडर, ये आपने आधा खाने का चम्मच ले लेना, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और इसके अलावा ये है मेरे पास केवड़ा, ये आप तकरीबन आधा चाय का चम्मच पकते हुए जब बिल्कुल रेडी होने लगेगा ये हम उसको डालेंगे। और ये जो है ये है चाइनीज सॉल्ट, ये टेस्ट के लिए मैं आधी चाय की चम्मच से भी कम पकते हुए डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल इसके इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको इसको पोर करके दिखाती हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। ये मैं फ़िलहाल कुकर में गलाऊंगी क्योंकि मटन में थोड़ा टाइम लगता है गलने में। सो आप इसको रेगुलर पॉट में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये कुकर है दरमियाने साइज़ का, आप इसके अंदर ये जो मैंने आपको गोश्त बताया था ये आप इसके अंदर डाल दें। पानी गोश्त का आप थोड़ा सा देख के, अगर थोड़ा सा निकला है तो आप पानी कोशिश करें कि ना जाए पतीली में, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो स्लाइस्ड अनियन है ये मैं सारे इसमें नहीं डालूंगी, कुछ मैं इसको बाद में मैंने मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करने, ये चले गए। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको लहसुन अदरक साबुत दिखाया था ये इसके अंदर जाएगा, पिसा हुआ हम बाद में डालेंगे।
और ये जो मसाले हैं जो मैंने आपको सूखे मसाले बताए थे ये आप इसमें आधे डाल दें, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप इसमें कमोबेशी कर सकते हैं। गरम मसालों का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जो मैंने आपको मसालों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, उसके आपने समझ लें आधे इसमें डालने हैं और आधे आपने बाद में मसाला भूनते हुए जो हम मटन को मसाला बना के उसमें भूनेंगे उसमें आपने डालने हैं, ठीक है ना। ये हो गई, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमने नमक रह गया, नमक भी आप तकरीबन इसमें सवा खाने का चम्मच आपने डालना है यखनी पकते हुए, है ना। और ये मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये पानी जो है तकरीबन आप अपने हिसाब से कमोबेश कर सकते हैं। पानी इसमें टोटल जाएगा तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि मैं चावल लूँगी 2 गिलास, तो पानी मैं इसमें 3 गिलास डालूँगी। आप 3 गिलास डाल के, अभी मैंने इसमें 1 गिलास डाला है, 2 गिलास मैं और इसमें डालूँगी और उसके बाद हम इसको पका लेंगे। जब ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं इसका मसाला आपको बनाते दिखाऊँगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये आप देख रहे होंगे कि प्याज जो है वो थोड़ा लाल होने पर आया था, तो मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि मैं चाह रही थी बाकी का काम मैं आपके सामने करूं, क्योंकि प्याज आपको पता है ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ये 1 मिनट के लिए हम इसको कर देंगे। अच्छा, ये जो सूखे मसाले हैं ये मैंने नहीं डाले थे, मैं आपको दिखा के डालना चाह रही थी। तो बाकी के सूखे मसाले मैंने आपको दिखाए थे शुरू में, वो आप इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। और ये काली मिर्च भी आप इसमें डाल देंगे। काली मिर्च मैं थोड़ी सी देर में डालती हूँ मसाला भूनने के साथ साथ, अभी मैंने फिलहाल सिर्फ सूखे मसाले डाले। और ये सूखे मसाले आप शुरू में प्याज के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हुए थे ये। अब प्याज देखिए अच्छा खासा जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड ब्राउन कलर हमें आ गया है, तो थोड़ा मैंने पहले कर लिया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं। अच्छा जी, ये हम इसमें लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ है ये डाल रहे हैं, तकरीबन ये 1.5 खाने का चम्मच भर के आप डाल रहे हैं। करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 5 खाने के चमचे, ठीक है। आप जो भी घर में आपके अवेलेबल ऑयल है आप वो इसमें डालिएगा। और ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी व्यूअर्स, ये मेरे पास चावल हैं 2 ग्लास, नॉर्मल जो ग्लास होते हैं चावल वो मैंने आधा घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। और ये जो गोश्त मैंने इससे पहले मैंने मीन वाइल जो काम किया है वो ये किया है कि मैंने गोश्त को तकरीबन यखनी को मैंने विसल, मेरे पास दूसरा कुकर है सो मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आप समझ लें विसल पे नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि 4 मिनट जब पूरा पानी बॉयल हो जाए तो आपने 4 मिनट कुकर को कुछ नहीं करना, उसको पकते रहने देना है और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। फिर आप उसको ठंडा होने दीजिएगा, उसके अंदर ही रहने दीजिएगा 4 मिनट पूरा फुल उसकी मतलब विसल बज रही हो। उसके बाद आपने निकाल के, ये मैंने इसका पानी निकाल दिया है, यखनी अलग कर दी है और ये मेरे पास गोश्त है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये यखनी है जो मैंने निथार के, ये आप स्ट्रेनर से प्लीज़ इसको स्ट्रेन की ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज यू विल गेट डिफरेंट स्टफ इन योर पुलाव, ठीक है ना, वो फिर अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ये आपने क्या, अच्छा इस वक्त जो है मैं इसमें ये मसाले जो है मेरे पास ये मैं डाल दूंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी, मैंने 1 चाय का चम्मच
शान का मसाला डाल लिया है इसमें, सिंधी बिरयानी मसाला। सो इसका टेस्ट, एक दफ़ा मेरे पास मसाले कम थे, मैंने वैसे ही डाला तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आया। सो मैंने इसको आई स्टार्ट यूजिंग, ठीक है ना। ये आप डाल के 1 मिनट के लिए इसको घुमाइएगा, ठीक है। और यही वाला यखनी वाला पानी आप थोड़ा सा डाल के, ताकि प्याज आपका मसाला जो है वो थोड़ा भुन भी जाए, और साथ साथ आपको इसमें इसका प्याज का थोड़ा सा कलर भी निकल आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये टमाटर जो एक दरमियाने साइज का, छोटे हो तो आप 2 लीजिएगा, ये हमने काट के डाल दिए इसके अंदर, ठीक है ना। ये थोड़ा पकने पे आए तो आप इसको कवर करके रख दें, तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसे कवर करके बनाइएगा। जब इसका टमाटर नरम हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर ये वाला गोश्त डालेंगे, ठीक है। जो यखनी में आपने गोश्त बिल्कुल गल गया है, अगर आपके पास कुकर नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी रेगुलर जो आपकी देचकी है, पॉट है या ऐसी कढ़ाई है, इसमें आप यखनी बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जैसे ये 1.25 किलो गोश्त है तो मैंने इसमें पानी लिया था, 3 गिलास पानी लिया था, सो वो कम होके 2.5 रह गया होगा, ठीक है ना। तो वो आप डाल दें, मसाले जो मैंने आपको बताया डाल दें, और फिर आप उसको ढककर पकाएं। जब वो अच्छी तरह बॉईल होने लगे तो आप उसको पहले आप अनकवर पकाएं, क्योंकि ये गिर जाती है बॉईल होके जो है इसका उबाला आके, और यखनी गिर जाती है। तो आप इसको पहले पकाएं बगैर ढके, फिर उसके बाद आप इसको कवर करके लिट पे आप इसको तकरीबन पकाएं हल्की आंच पे, हल्की आंच से थोड़ा सा ज़्यादा, आप इसको तकरीबन 45 मिनट्स आप मटन को बनाएंगे, ठीक है ना। सेम यही रेसिपी आप चिकन को फॉलो कर सकते हैं, चिकन के साथ एग्जैक्ट यही आपने चीज़ें लेनी है, इंग्रेडिएंट्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको ये गलाने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे हमें कुकर में, और 45 मिनट्स। अब आप चिकन को डालेंगे तो चिकन को आप डाल के मेरे ख्याल में हार्डली कोई 15 से 20 मिनट में आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, एक चिकन जब आप बनाएंगे, ठीक है ना। 2 बनाएंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो आप इसको बड़े आराम से चिकन के साथ सेम रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है, क्योंकि चिकन को गलने में टाइम नहीं लगता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा हमारे टमाटर जो हैं वो गल रहे हैं, और मैं इसको हल्के हाथ से, आप जैसे ये तफकीर है आप इसको थोड़ा सा यूं नॉट टू मच हार्ड, आप हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, ताकि ये टमाटरों का जो एक मतलब ये आपके खाने में ज़्यादा मुंह में नहीं आएंगे, लेकिन पुलाव में तो खैर आप किसी भी तरीके से करें तो ये अच्छा लगता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ गोश्त आपके सामने, ठीक है ना। ये जो मैंने यखनी बना के रखी है, वैसे तो खैर इसमें से हर चीज़ चली जाएगी, लेकिन आपके सामने मैंने इसके अंदर डाली थी लहसुन की पोथियाँ, वो कवर के साथ ही थी, उसका छिलका साथ ही था, तो मैं नहीं चाह रही कि कोई इसके अंदर जाए, वरना आप इसको आराम से उलट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। पानी जो इसमें बच रहेगा वो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये तेज़ पत्ता वगैरह मैं साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं। तो सिर्फ वो लहसुन के जबों की जो ऊपर का वो है कवर है, उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। ये भी आपकी हो गई यखनी वाला गोश्त जो है ये इसके अंदर चला गया है, ठीक है ना। अब इसको हमने थोड़ी देर चम्मच चलानी है, ठीक है ना। गोश्त पर आपने बस थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज़ करा है इसका, गोश्त पे आपने हल्के हाथों से इसको इतना करना है कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए गोश्त के ऊपर, ना। तो ये बस 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही हम इसमें जो मैंने आपको हरी मिर्च 2 काट के रखी थी वो मैं अभी थोड़ी देर में इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा
तो उसका कलर जो है ना, और मैं चाह रही हूँ आटे तो, और आप जब चिकन के साथ बनाएंगे इसको तो चिकन के साथ आपने इसमें मसाले वगैरह बिल्कुल यही क्वांटिटी रखनी है टमाटर की। और मैं जो हिसाब आपको बताया है वो 2 गिलास चावल के हिसाब से बताया है, आप उसको अपने हिसाब से, क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी रोज़ा है, मैं इसमें नमक चेक नहीं कर सकती, वरना इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा चम्मच के साथ आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितना और इसमें नमक ऐड करना है। ठीक है, अब ये 2 मिनट हो गए हैं, देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। ऑयल आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, 4 से 5 खाने के चम्मच बहुत होते हैं, बिकॉज ये जो यखनी है ये भी मतलब एक तरह की, इसमें भी ऑयल जो है वो आ जाता है। चिकन का आप बना रहे हो या फिर आप मटन का बना रहे हो, दोनों सूपों में आपके पास इसमें थोड़ा बहुत ऑयल इसमें से भी निकलता है। ये देखिए इस मटन पे हल्का हल्का कलर आ गया है। सो अब मैंने ये करना है, मैं आपके सामने ये करना चाह रही थी ये वाला स्टेप, ताकि आपको थोड़ी समझने में भी आसानी हो। ये आपने अब जब इसमें हल्का सा कलर आ गया, यूजुअली जो नॉर्मल रेसिपीज़ हैं, नॉर्मल से मतलब रेगुलर या आमतौर पे जो लोग बनाते हैं, मैं भी जैसे पहले बनाती थी, तो उसमें आप इसी के अंदर यखनी डाल के और आपने इसी के अंदर चावल डाल देना था। लेकिन मेरी सास डिफरेंट तरीके से बनाती हैं, वो ये गोश्त को निकाल लेती हैं इस टाइम पर जब आपने हल्का सा इस पर, इसके साथ थोड़ा सा मसाला भी निकल आएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसाला आपका उसके अंदर है रहेगा, उसी में आपका चावल डालेंगे। अभी आप जो है पानी डालने से पहले, यखनी डालने से पहले आपने इसके अंदर से, ये चिकन हो मटन हो दोनों रेसिपी में सेम चीज़ है, आपने ये गोश्त निकाल देना है। ये सीक्रेट टिप है उनकी बेहद मज़ेदार यखनी पुलाव का, जो कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, चाहे मैं चिकन से बनाऊँ या मैं मटन से बनाऊँ, दोनों रेसिपीज़ में ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इससे एक तो ये होता है कि आपकी जो चिकन या मटन है, गोश्त जो है वो बिल्कुल एक उसका अपना एक टेस्ट जो है ना वो रहता है, वरना जैसे आप पानी डालते हैं, जो लोग भी कुकिंग करते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि जब आप पानी डालते हैं, मैं थोड़ा चूल्हा हल्का कर रही हूँ नीचे से वो लगे ना, तो जब आप पानी डालते हैं तो वो मसाला जो है वो सारा धुल जाता है, मतलब वो निकल जाता है उसके अंदर, सो आपका गोश्त में इतना टेस्ट नहीं रहता। पुलाव ओवरऑल तो बहुत अच्छा हो जाता है, इस स्टेप से आपके पुलाव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यकीन करें कोई डिफरेंस नहीं आएगा टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि मसाला कम हो जाए, क्योंकि एंड पे ही हमने सारे एक साथ दोबारा डाल देंगे ना। ये हम आराम से आप इस तरह से करें, गोश्त की पकने की जो टाइमिंग है उसको प्लीज़ आप काइंडली बहुत प्रिसाइजली नोट करिएगा, क्योंकि ज़्यादा गला हुआ गोश्त और ऑफ कोर्स कच्चा गोश्त, लाइक थोड़ा सा खड़ा खड़ा, दोनों ही अच्छे नहीं लगते हैं। मटन में आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देखना पड़ेगा, वरना जो चिकन है उसमें तो आपको कलर से और उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपका चिकन तैयार हो गया है या नहीं। ठीक है जी, ये माशाल्लाह देखें ये हो गया है, और अब ये यखनी मैंने नाप के रखी हुई है, ये तकरीबन मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो ये 2.5 गिलास यखनी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसका चूल्हा तेज़ कर रही हूँ, ये छनी हुई और वो हुई हुई है बिल्कुल, इसको मैंने नाप के रखा था, थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने, आप उसमें अगर पानी देखें आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर आपकी यखनी ज़ाया होगी, ठीक है ना, जिससे टेस्ट आपका डिवेलप होएगा। सो आप इसमें कोशिश करिएगा कि आप यखनी जो है वो कम पानी से बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास देखें गोश्त मैंने अलग कर दिया है, ये हम एंड पे डालेंगे, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी आपको ये वाला स्टेप भी। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने पानी कम डालने की मैं बात कर रही थी, पानी कम डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर ज़्यादा पानी हुआ
तो आपको यखनी ज़ाया करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप उसमें अपने हिसाब से पानी एडजस्ट, जैसे मैंने ये पानी लिया था तो मुझे थोड़ा लगा कि कम है। यहाँ पे कनाडा में जो चावल हमें मिलते हैं उसमें हम डबल नहीं डालते, जैसे 2 गिलास हों तो हम उसमें 3 गिलास पानी डालते हैं, 4 नहीं डालते, वरना चावल जल्दी गल जाते हैं और आई वुड से के ख़राब भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें, आप जहाँ भी रहते हैं दुनिया के जिस हिस्से में भी आप रह रहे हैं, आप अपने खत्ते के हिसाब से, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से चावलों को जिस तरह आप बनाते हैं, आप पुलाव में पानी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो यखनी होती है वो उसके लिए पानी का हिसाब बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 2 गिलास अगर चावल बनाते हैं तो 3 गिलास हम, 3 से थोड़ा कम मैं पानी डालती हूँ। सो थोड़ा चावलों के साथ भी आएगा, ये मैं वेट कर रही हूँ कि ये इसमें हो जाए, एक उबाला आ जाए तो मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। मैं आपके सामने स्टेप करना चाह रही हूँ, और ये एक मेरे पास चीज़ है सफ़ेद सिरका, वो मैं चावलों को थोड़ा सा, आप कह लें कि खिले खिले बनेंगे आपके, तो एक चाय का चम्मच आप इसमें सफ़ेद सिरका ज़रूर डालिएगा। ये आप पानी बॉईल करें, अगर बिरयानी के लिए आप उसमें भी डालें, आप चावल की सवाए जर्दे के, क्योंकि ज़ाहिर है ये सावर होता है, उसके अलावा आप चावलों की कोई सी भी रेसिपी बनाएं तो आप ये सिरका ज़रूर उसमें डालें। उससे ये होता है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छे आपके चावल बनेंगे, खिले खिले बिल्कुल ना। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप एक चाय का चम्मच भर के लीमू भी डाल सकते हैं, लीमू भी वही काम करेगा, लेकिन सिरका ये होता है कि आपको हमेशा घर में अवेलेबल होता है आसानी से, आई वुड से हर घर में होता है, सो आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ये चावलों का पानी देखिए बॉयल होने पे आ रहा है, ये पानी निथार के मैंने चावलों का रख लिया है, ठीक है ना, ये देखिए बॉयल हो रहा है। सो अब हम इसमें ये चावल जो है ये डाल देंगे, ये 2 गिलास चावल है और ये मैंने तकरीबन आधा पौने घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, ठीक है ना। ये वाले जो हैं आप हाथ से ज़्यादा अच्छे चावल ज़ाया नहीं कीजिएगा, रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। आप जो आप खाना इस्तेमाल कर रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो पूरे के पूरे आप उसमें डालें, ठीक है ना। ये हाथ से ज़्यादा अच्छे, बस आप अपने हाथों का इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए खाना बनाने से पहले, प्लीज़ आप एक दफ़ा अच्छी तरह हाथ ज़रूर धो लिया करें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी, और उसके बाद मैं आपको इसी में आपके सामने मैं बाकी का स्टेप करूँगी। और ये जो है केवड़ा मैं बाद में डालती हूँ, ये जो चाइनीज सॉल्ट है ये देखें चाय की आधी चम्मच से भी कम मैंने इसमें लिया है, ये इसके अंदर टेस्ट अच्छा देता है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँ आपके सामने। केवड़ा मैं बाद में डालूँगी और चावल ये थोड़े पकने पर आ जाएं, तो जब ये पानी खुश्क होगा चावलों का, ये पानी तकरीबन 90% खुश्क हो जाएगा, तो मैं ये गोश जो मैंने निकाल के रखा है भूनने के बाद ये मैं उसके ऊपर डाल दूँगी और फिर मैं इसको तवे पर डाल दूँगी। तो बाकी का स्टेप फिर मैं आपको, जब ये चावल उनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, मैं आपको फिर से दोबारा दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने आपको चावल दिखाने थे, देखें ये बिल्कुल इसका पानी इतना, आप देख लें आपको क्लियर नज़र आ रहा हो कि इतना ये ड्राई हो गया है। तो अब आपने, ये लास्ट स्टेप है इसका, आपने ये वाला जो गोश्त जो हमने निकाला था भून के, ये आपने इसके ऊपर फैला देना है, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि जो भी मसाला प्लेट पे लगा हुआ है वो आपने सारा के सारा इसको इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। और इसके साथ ही ये मेरे पास शाही ज़ीरा है, शाह ज़ीरा है, काला ज़ीरा जिसे कहते हैं, ये मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये मेरी अपना एक वो है, मुझे अच्छा लगता है इसका, इसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी आएगी।
पुलाव में ये देखें, ये जो मैंने आपको केवड़ा दिखाया था, ये आप तकरीबन आधी चाय की चम्मच इसको पूरी चावलों के ऊपर इसको फैला दीजिएगा, डाल दीजिएगा। ये अब चूल्हा बंद करके ये मैंने यहाँ पर रख दिया है तवा गर्म होने के लिए। सो तवे के नीचे मैं इसको नीचे तवा रखूँगी, ठीक है ना, ये गर्म था ऑलरेडी पहले का। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज आंच पर और उसके बाद हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगी और उसके बाद ये मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी। और तकरीबन आप इसको जो दम इसका तोड़ना है या चावलों को जो मिक्स करना है वो तकरीबन आधे घंटे के बाद आप इसको कीजिएगा, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल शक्ल ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कितने मज़े के बनते हैं। ओके जी, देखिए ये मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, मैंने अभी आपके सामने इसको खोल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, ये दम भी है, ठीक है। आप इसको यूँ हल्के हल्के हाथों से देखें कितने अच्छे चावल गले हैं। और आप इसको अभी मैं पूरा मिक्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा इसका दम जो है वो निकाल दीजिएगा और मैं आप इसको पोर करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं, ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज हैं। और आपकी फैमिली, आपके घर वाले खा के बहुत खुश होंगे, बहुत दुआएं देंगे आपको। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है ये। रेडी है ये मटन यखनी पुलाव और ये मैं वैसे गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा से हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने निकाल के रखे थे, वरना इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। या आप बिल्कुल सादा सा आप रायता बना लें, उसके साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी दूसरी किस रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी, आपको ज्वाइन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ देखना नसीब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।